सो हेलो दोस्तों, अ वेरी वेलकम टू माई क्लास द स्कॉलर्स हाउस में आपका स्वागत है। माई नेम इज़ भूपेंद्र सिंह बिष्ट एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सब हेल्थी होंगे, फिट होंगे एंड यस घर पर होंगे। नाउ फ्रेंड्स, देखिए, इससे प्रीवियस क्लास में हमने एपी की कुछ क्वेश्चंस करे थे। एक्सरसाइज 5.2 था हमारा। आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ। 10th क्वेश्चन रहेगा आपका एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2। सो हम इसको करते हैं। देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपना, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है देखिए, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सिड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। देखिए क्वेश्चन थोड़ा की मीनिंग समझना, क्या कह रहा है कि एक्सीड का मतलब, सबसे पहले बात एक्सीड्स का होता है, एक्सीड्स मतलब बढ़ना, ठीक है। कौन बढ़ रहा है? 17वां टर्म बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है? 17वां टर्म बढ़ रहा है। पर किससे बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है, ये जानना ज़्यादा जरूरी है हमें। किससे बढ़ रहा है? वो 10th टर्म से बढ़ रहा है। इसका मतलब हमें दो चीज़ें, एक तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें ए टेन, ठीक है, यहाँ पर है ए टेन, और किसकी बात हो रही है, ए 17 की बात हो रही है। इन दो टर्म्स की हमारी बात हो रही है, इन दो टर्म्स की बात हो रही है क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखिए 17वां टर्म है, 17वां टर्म एक्सीड कौन कर रहा है? 17वां टर्म कर रहा है, ठीक है। मैं किसी से 20 साल बड़ा हूँ कहूँगा, तो मैं जिससे बड़ा हूँ तो मैं उसके रिस्पेक्ट में हूँगा। मैंने कहा कि मैं अगले पर्सन से, ठीक है, जैसे कि मेरा नाम भूपेंद्र है, एक का नाम सोनू है, मैं सोनू से 20 साल बड़ा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपना तो भूपेंद्र लिखूंगा ऐसे करके, ठीक है। सो सोनू से 20 पढ़ा, तो ये सेम थिंग, ये चीज़ देखिए। तो ए 17 जो टर्म है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया बस, इस क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा हूँ, ए 17 जो टर्म है वो ए 10 से एक्सीड कर रहा है, 7, ए 10 से 7 बड़ा है। तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि यस, ए 17 क्या होता है आपका, ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। एंड ए 16 को कैसे लिख सकते हैं आप, ये सॉरी ए 10 को कैसे लिख सकते हैं आप, ए प्लस कितने सकते हैं, 10 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, मैं इन को यहाँ पर देखिए, इतना ए प्लस 17 माइनस 1 कितना हो गया, देखिए 16 डी, शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत। ए प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9 डी, और यहाँ से कितना हो गया, प्लस 7, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ए से ए कट गया आपका, ये यहाँ आ गया 16 डी माइनस 9 डी इज इक्वल टू 7, कितना आ गया देखिए, 7 डी इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, एक क्वेश्चन और लाता हूँ मैं आपके लिए, एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट, बहुत जल्दी हो गया क्वेश्चन। सो हमारे पास एक क्वेश्चन और है, मैं आपको लिख देता हूँ, उसको बोल भी देता हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपके पेपर में आएगा ही आएगा, तो ध्यान दीजिए। इसको मैं रख करता हूँ, ये आपको आ गया वो समझ में, कुछ नहीं करना है। देखिए, करा है, ए से ए कट गया, ये यहाँ आ गया और डी की वैल्यू 1 आ गई। नाउ आई एम गोइंग टू रफ, ठीक है, यस। अब मैं इसको रख करता हूँ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 2 मिनट का क्वेश्चन था, 2 मिनट भी लगे इसमें अच्छे से, ठीक है, यस। अब देखिए करते हैं, एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्या लिखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सुनिए क्या लिखा है, देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर, इसमें आपको बहुत सी चीज सिखाऊंगा, आर डिविजिबल बाय, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बहुत ध्यान सुनना इस क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यान से सुनना, आपको बताता हूँ। देखिए 3 डिजिट का नंबर आप बताइए मुझे कहाँ पर से शुरू होता है, 3 डिजिट का नंबर कहाँ पर शुरू होता है, 99 के बाद जस्ट क्या आता है आपका, 3 डिजिट नंबर। अब ये 3 डिजिट का नंबर ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्या मुझे बता सकते हैं क्या 107 से डिविजिबल है या नहीं है? देखिए मैं आपको बहुत सी चीज़ बताऊंगा कि कौन सा 3 डिजिट का नंबर पहला है जो 7 से डिवाइड हो सकता है। हम अब करते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले देखिए हमें पता लगाना है कि कौन सा 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होता है। तो पहले तो हमें पता है कि 100 है, ठीक है, पर 100 है नहीं है, हम चेक करेंगे, 7 बन जा 7। अब मुझे बताइए, ठीक है, अगर मैं यहाँ बस देखिए मेरी बात सुनिए, 7 के मल्टीपल में 30 के जस्ट बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 की टेबल में आता हो, मेरे कहने का मतलब 30 के बाद, 30 नंबर के बाद कौन सा एक नंबर हो जो 7 की टेबल में आता हो, 7 5 जा 35, यू नो दैट 7 35। अगर मैं 7 4 28 करता हूँ तो देखिए 7 4 28 करता हूँ तो गलत है, क्यों, मुझे 10 से 2, मुझे क्या करना पड़ेगा, दो नंबर पीछे लेने पड़ेंगे, पर मुझे क्या करना है, देखिए
अगर मैं सेवन, मेरी बात सुनिए, 7 5 जा, अगर मैं 35 करता हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिए, तो इस जीरो में मैंने कितना प्लस किया, समझिए, मैंने जीरो में कितना प्लस किया, 5। इसका मतलब मुझे पूरे जो नंबर था मेरे पास 3 डिजिट का, उसमें भी 5 ऐड करना पड़ेगा। इस पे भी हमने कितना ऐड कर देंगे, हम 5 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास पहला डिजिट नंबर 3 डिजिट का कौन आ जाएगा, जो 7 से डिवाइड है, वो क्या आ जाएगा, 105। तो वो फर्स्ट डिजिट नंबर 105 आपका आ गया। अब मेरी बात सुनिए, एक 7 की टेबल आपने पढ़ी है, 7 7 7, 7 2 14, 7 3 21। जब हम टेबल पढ़ते हैं, तो जैसे 7 की टेबल पढ़ूंगा तो हर नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म का डिफरेंस कितना आएगा, 7 ही आएगा। 2 की टेबल पढ़ूंगा, हर नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म का डिफरेंस कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो सेम ऐसा ही है, अब 7 की टेबल पढ़ रहा हूँ, यहाँ पढ़ा मैंने, ठीक है, अभी कितनी बार जा रहे, देखो 7 15 जा, तो हर बार जब 7 7 का डिफरेंस, तो अगला क्या होगा बता सकते हैं आप मुझे, अगला नंबर इसमें 7 ऐड कर दीजिए, अगला नंबर आपका 112, सॉरी क्या कर दिया मैं, 112, अगला नंबर आपका क्या होगा, 119, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। देखिए हर बार 7 7 ऐड कर सकता हूँ मैं, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, तो ये आपको पता लग गया इतना, ठीक है, क्योंकि मुझे 3 डिजिट का पूछा है, मुझसे क्या पूछा है, 3 डिजिट का नंबर। अब देखिए, अब एक चीज़ और, अब आती सबसे मेन चीज़, एक चीज़ और आती है सबसे मेन, कि मुझे तो अभी लास्ट टर्म भी देखना है, मुझे अभी लास्ट वाला 3 डिजिट नंबर देखना है। अच्छा मुझे बताइए, सबसे लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा हो सकता है, ये आपको पता है, 999, ठीक है, तो क्या हो सकता है। अब देखिए, अब वही बात आ गई फिर से, क्या 9997 से डिवाइड है, होता है या नहीं होता, होना चाहिए। देखिए क्योंकि क्वेश्चन ऐसे कह रहा, हाउ मेनी 3 नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो हमें 7 का डिविजिबल देखना है यहाँ पर, क्या देखते हैं, 7 7 7, सॉरी कितना आगे, देखिए कितना आगे, बताइए 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 बताइए, 9 7 2 29, 7 4 20। अब मुझे बताइए, ठीक है, क्या अब मैं 7 3 21 कर सकता हूँ, कौन मुझे बताएगा, क्या अब मैं 7 3 21 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, बताइए क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, इज इट राइट और रॉन्ग। देखिए मैं 19 में मैंने 2 ऐड कर दिया, ठीक है, आपने कह दिया हाँ कि सर होता है डिवाइड, 19 में 2 ऐड कर दिया, 7 3 21 मुझे मिल गया, तो 2 मैंने ऐड यहाँ किया है, तो मैंने आपको पहले भी, अभी इससे पहले बताया था 2 यहाँ के, तो ये 2 यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, तो यस लीजिए मैं कर लेता हूँ, 9 10 11 1। भाई साहब हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, क्यों, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, 2 डिजिट 3 डिजिट का नंबर, और यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, 4 डिजिट का नंबर। तो हमने हमने जो किया है अभी 7 3 21, हमने 19 से आगे की वैल्यू ले ली, जो कि हमें नहीं लेनी थी, क्योंकि 9999 के बाद एक नंबर भी आगे जाएगा तो वो 4 डिजिट का बन जाएगा, जो कि रॉन्ग है। तो हमें 3 डिजिट का नंबर बताना है, तो हम क्या करेंगे, 19 से पहले एक ऐसा मल्टीपल देखेंगे जो 7 की टेबल में आता हो, 19 से पहले एक ऐसा डिविजिबल देखेंगे जो 17 की टेबल, जो 7 की टेबल में आता हो, ठीक है। तो 19 से पहले कौन सा नंबर हो सकता है जो 7 की टेबल में आता है, बताइए, 7 3 21 का 7 2 14, इसका तो 9 से कितना माइनस किया आपने, 5, अगर यहाँ 5 माइनस किया तो यहाँ भी आप 5 माइनस करेंगे, तो 999 में से 5 माइनस किया कितना, 994, तो आपका जो आखिरी नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा वो कितना होगा आपका, 994, ठीक है ना, समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब आगे ये चीज़ आपको समझ में आ गई, अब आगे मस्त चीज़ आपको सॉल्व करना है, एपी आ गया, बताइए अब क्या होगा, बताइए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म, इस सीरीज में हमारे पास लास्ट टर्म क्या है, 994, इस सीरीज का हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 105, इस सीरीज में डिफरेंस तो पता ही आपको 7 का है, निकालना क्या है, एन एन निकालना है आपको, फटाफट निकालिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस इंटू डी, ए एन कितना आपके पास, देखिए 994, ए कितना आपके पास, 105 प्लस व्हाट इज डी, है 7, 994 इज इक्वल टू 105, कितना आ गया आपको, 7n-7, 105 से 7 माइनस कितना है, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, कितना आ गया, 98, तो 994 इज इक्वल टू 98 प्लस 7n, इसको यहाँ ले जाइए, 994 में से 98 माइनस कीजिए, 994 में से 14, 32, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 6 आ गया आपके पास, ये 8 आ गया, 18-9, 9 ही होता है, यहाँ कितना आ गया आपका, 896, कितना आ गया, 896 आ गया ना, देखिए 14-8, 18-9, 8, 896,
तो यहाँ पर आपके पास 896 इज इक्वल टू 7 है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन 896 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 7 टू जा 14, 7 एट जा 56, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 128। तो जब हम ऐसे करते 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 जाएंगे तो हमारे पास n कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, जो हमारे पास ये टर्म होगा 994, ये कौन सा टर्म होगा हमारे पास 128। सो आवर आंसर इज दिस, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, n इज इक्वल टू 128। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया आपको? ठीक है, सब समझ में आ गया होगा। ये यहाँ से मैनेज किया, फिर इसमें से उसको मैनेज किया हमने, 14, 10, 11, 10, 8, 10, 6 हो गया आपके पास, 80 माइनस 9 होता है। सो फ्रेंड्स देखिए, एक बार आप देख लीजिए इसको अच्छे से, इतना आपको आ गया समझ में। नाउ फ्रेंड्स, इस क्लास को आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। एंड ये जितने भी आपके पास पुरानी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है उनको देखिए आप। एपी चल रही है हमारी, क्वालिटी हो चुकी है, लीनियर इक्वेशन करवा दी है आपको, पॉलीनोमियल्स हो चुका है आपका। अब देखिए फ्रेंड्स, और एक चीज़ और, मैंने आपको जितने भी आपके डाउट्स हो सकते हैं, मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर रखी है आपको डिस्क्रिप्शन में, हर एक लेक्चर में, हर एक वीडियो में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है अपने इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, वहाँ से मुझसे शेयर कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, आई हैव टू क्लोज दिस चैप्टर, थैंक्स एंड टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, गुड बाय, हैव अ हेल्थी डे, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।